तो गाइस ओप्पो रेनो 7 सीरीज़ जो कि ओप्पो रेनो 6 सीरीज़ का सक्सेसर होगी, यहाँ पे ये डिवाइस जो है काफ़ी जल्द लॉन्च होने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इसी डिवाइस के कुछ स्पेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि अभी लीक हुए हैं और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इस डिवाइस में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी रिसेंटली मैंने जो है 3 दिन पहले ही ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G जो है परचेज किया है इंडियन मार्केट में, और अब जो है साथ ही साथ 3 दिन में ही रेनो 7 सीरीज़ की जो है यहाँ पर लॉन्च डेट भी निकल के आ चुकी है। तो मेरे को थोड़ा बहुत बुरा लगा क्योंकि जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, 40,000 का ये डिवाइस है और अब मेरे को जो है ये ओल्ड जनरेशन चलाना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं कब तक ये डिवाइस आते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। सबसे पहले स्पेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले रेनो 7 प्रो की। तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है ये वही डिमेंसिटी 1200 के साथ आएगा जो कि ऑलरेडी 6 प्रो में आ रहा है। तो 5G को ये सपोर्ट करता है, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है मीडियाटेक का और फ्लैगशिप आप बोल सकते हैं इसको। तो फ्लैगशिप चिप आपको देखने को मिलेगी, वही कैरी फॉरवर्ड किया गया है। मेमोरी की बात करें तो 8GB 256GB और 12 256GB दो वेरियंट आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार। हालांकि रेनो 6 सीरीज़ में आपको एक ही वेरियंट मिलता था 12 256, तो हो सकता है इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी और कम हो जाए, मीन्स 35,000 के आसपास आपको मिल जाए। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो 6.55 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विथ 2400x1080 रेजोल्यूशन, 402 PPI होगा, 920 निट्स जो है यहाँ पे ब्राइटनेस होगी मैक्स, 90 हर्ट्ज़ का ही डिस्प्ले होगा ये भी और 240 हर्ट्ज़ का आपको देखने को मिलेगा टच सैम्पलिंग रेट। यहाँ पे जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो 92.80% है और 32MP आपको कैमरा देखने को मिलेगा फ्रंट में। कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा 32MP का होगा जो कि सोनी IMX709 है। इवन कि यहाँ पे जो रियर कैमरा है वो आपको 50MP का देखने को मिलेगा, सोनी IMX766 वाला आपको सेंसर मिलेगा इसमें, 8MP का आपको वाइड एंगल सेंसर मिलेगा, 2MP का मैक्रो सेंसर मिलेगा। एंड्रॉयड वर्जन 11 पे ही रन करेगा ये, कलर ओएस 12 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। और यहाँ पे जो है अदर फीचर्स की बात कर ले तो 4500mAh बैटरी मिलेगी, 65W चार्जिंग है, 180g का ये फोन होगा। करते हैं रेनो 7 5G की। तो ये जो डिवाइस है ये नए चिपसेट के साथ आएगा, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 778G वाला चिपसेट आपको मिलेगा, 3 वेरिएंट मिलेंगे 8128 28256 और 12256, तो ये 3 वेरिएंट होंगे इसमें। साथ ही साथ 6.43 इंच का डिस्प्ले होगा इसमें, एमोलेड डिस्प्ले है ये भी, 409 PPI होगा, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी, 90 हर्ट्ज़ का ही डिस्प्ले होगा इसमें भी, लेकिन जो टच सैम्पलिंग रेट होगा वो 180 हर्ट्ज़ का होगा, 91.70% स्क्रीन टू बॉडी रेशो होगा इसमें। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे 32MP का सोनी IMX709 मिलेगा जो कि सेम एज इट इज़ है रेनो 7 प्रो की तरह। रियर कैमरा की बात करें तो 64MP 8MP 2MP के 3 कैमरा मिलेंगे इसमें, तो 3 सेंसर इसमें दिए जाएंगे। एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स 11 मिलेगा और वर्जन 12 पे रन करेगा कलर ओएस। इस साथ अदर फीचर जो है वो आपके ब्लूटूथ 5.2 है, 4500mAh बैटरी है, 65W चार्जिंग ये भी सपोर्ट करता है और 185g का ये डिवाइस होगा। यही कुछ स्पेक्स थे ओप्पो रेनो 7 प्रो 5G और 7 5G के। साथ ही साथ जो है रेनो 6 प्रो अगर आप परचेस करना चाहते हैं वो आपको फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है। अदरवाइज मैं तो यही बोलूँगा अभी आप उस डिवाइस को ना परचेज करें क्योंकि ये डिवाइस काफ़ी जल्द लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे 25 नवंबर को ये जो है चाइना में लॉन्च होगा और नेक्स्ट मंथ इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो ये डिवाइस जो है देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है और इसके लुक्स भी काफ़ी बढ़िया लगे, देखना है कि प्राइसिंग क्या होगी इसकी। तो यही था आज के वीडियो पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।